हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इजी से वे में बनने वाला फ्रेंच बन। अगर आपको फ्रेंच बन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच बन बनाने के लिए मैंने लिया है अपना डोनट। डोनट को मैं टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करूँगी, इसे कट नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक रबर की हेल्प से इसे टाई कर लेना है, ठीक है ना, इस तरह से। वन और टू, ये एट बन गया है ना आपका, है ना, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसे टू सेक्शंस में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से बनेगा। मैंने यहाँ पे अपनी पोनी टेल क्रिएट की है, वन एंड टू, एक ऊपर और एक नीचे, और ये ही मैं इसके लिए की है ये चीज़ मैंने, ठीक है ना, ताकि मैं डोनट को ईजिली अपनी पोनी टेल्स को इसमें डाल सकूँ। तो मैंने ऊपर वाली पोनी टेल में अपना जो डोनट में से ऊपर वाली पोनी टेल पहले निकाल देती हूँ, यहाँ से इस तरह से ऊपर से मैंने पोनी टेल निकाल दी, ठीक है, ये फर्स्ट। और सेकंड हमने क्या करना है, जो हमारा डाउनवर्ड टू पोर्शंस में डिवाइड किया था, डाउन वाले में से भी मैं नीचे वाली पोनी टेल इसमें से निकाल देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो पोनी टेल है, मैंने इसमें से निकाल दी है, और आप ये देखेंगे, ये प्रोसेस, ये फॉर्मेशन हमारे पास आई है, दिस वन। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे हेयर्स हैं, इन हेयर्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगी, इस साइड, ठीक है, और इन हेयर्स को भी मैं इस साइड लेके जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ अपने क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ये वाले क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास ये वाले क्लिप्स नहीं हैं, आप नॉर्मल पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स भी आते हैं, इस तरह के, मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स होल्डिंग के लिए ये भी आते हैं, तो इसका यूज़ मैं आज कर रही हूँ। और आप चाहें तो अपने पिंस का यूज़ कीजिए। मैंने क्या किया है, अपने हेयर्स लिए, इनको मैं इस साइड लेके गई, और इस साइड ले जाकर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये जो क्लिप्स हैं ये लगा दिया, ये वाला क्लिप लगाया है, एक लगाया है मैंने यहाँ पर, एक और अब मैं लगाऊंगी, टू क्लिप्स मैंने यहाँ पे लगाने हैं, एक मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है इस तरह से। सेम इसको भी मैं इस साइड लेके गई, और यहाँ भी मैंने अपनी क्लिप्स की हेल्प से इन्हें होल्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक और क्लिप लिया, उससे मैंने इसे होल्ड कर लिया। अगर आपके पास ये क्लिप्स नहीं है, नॉर्मल पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आपने इनको अच्छे से होल्ड कर लेना है। तो ये जो है होल्ड हो चुके हैं, ये मेरा प्रोसेस जो है ये होल्डिंग का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये वाले सारे हेयर्स मेरे इस साइड आ चुके हैं, अब मुझे इन हेयर्स में थोड़ा इस तरह ले जाकर यहाँ पे एक रबर बैंड डालनी है। तो मैंने थोड़ा सीधा किया है इन्हें, और सीधा करके यहाँ पर एक रबर बैंड डाल देती हूँ। बहुत ही इजी आपका ये जो बन है वो क्रिएट होगा। रबर बैंड डालने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हेयर्स लिए हैं ना, इनको इस साइड लेके आना है, इस साइड, इस तरह से, ठीक है, हमने क्या करना है, इस साइड लेके आना है, और इन हेयर्स को यहाँ पे मैं टाई अप कर दूंगी इस तरह से। यहाँ पे हम इन्हें टाई अप कर देंगे। तो हमने क्या किया था, अपनी यू पिंस लेनी है, और यू पिन की हेल्प से मैं इन्हें यहाँ पे टाई अप कर देती हूँ इस तरह से, ताकि ये निकले ना। तो हमने प्रॉपरली टाई अप करना है इनको, अच्छे से यू पिंस का यूज़ करके इन्हें टाई अप करना है, और ये जो हेयर्स हैं इनको अच्छे से फैलाते हुए से कवर कर लेना है। रेस्ट ऑफ हेयर्स हमने क्या करना है, ये जो हमारे रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं, इनकी आपने टू सेक्शंस में इन्हें डिवाइड करेंगे, और इन्हें रोल करेंगे। रोल करते हुए यहाँ पे इस तरह से रोल किया, रोल करके यहाँ पे हम इसे
इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे ये जो पोर्शन है, और यहाँ पे हमने यू पिन की हेल्प से इसे फिर से टाई कर देंगे। यू पिन्स लेनी है और इनको आपने टाई करना है। ये जो आपके हेयर्स हैं, एक छोटा सा फ्लावर टाइप का आपका जो आपके पास है वो क्रिएट हो जाएगा, फॉर्मेशन इस तरह से, और चारों साइड से इसे सिक्योर कर लेंगे। इसको हर साइड से सिक्योर कर लीजिए, ये आपका निकलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा जो बन है ना वो रेडी है, ये देखिए। तो इस तरह से आप आसानी से अपना जो फ्रेंच बन है वो क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली। मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपने क्या करना है, अपने डोनट को दो सेक्शंस में डिवाइड करना है, दो पोनीटेल में डालना है, उधर जाके सेट करके रबर डाल के इधर लेके आना है और उसे टाई अप कर देना है, और यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट कर देना है। बहुत ही इजी है ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है वो जो अपना फ्रेंच बन है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।